श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी जो हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, सीनियर लीडर हैं और मेरी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे साथ अखिल भारतीय मंत्री और चंडीगढ़ की प्रभारी आरती मेहरा जी हैं। मेरे साथ श्री विजेंद्र गुप्ता जो पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं वे हैं। श्री विजय जॉली जो अपने भारतीय जनता पार्टी का ओवरसीज सेल चलता है उसके ऑल इंडिया कन्वीनर हैं और इसके साथ साथ विजय जॉली अभी त्रिपुरा के भी प्रभारी नियुक्त हुए हैं। हमारे साथ राजीव बब्बर हैं जो स्पोक्सपर्सन हैं, अमन सिन्हा हैं जो स्पोक्सपर्सन हैं, श्री हरीश खुराना जो हमारे मीडिया के इंचार्ज हैं और मित्रों आज दो विषयों के ऊपर है। एक तो है आज नितिन गडकरी जी जब चुनाव प्रभारी के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी थी दो दिन पहले कि पार्टी पूरी तरह से चुनाव मोड में आ गई है, इलेक्शन मोड के अंदर आ गई है, तो आज हमारी इलेक्शन कमेटी की पहली मीटिंग थी। उस इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के अंदर इसका पहली मीटिंग का पूरा संदेश ये है कि पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस को हराने के लिए विधानसभा चुनाव में इलेक्शन मोड में आ गई है। इस मीटिंग के अंदर विधानसभा के चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई कि किस तरीके से पार्टी अपने आप को गेयरअप करेगी, बूथ स्तर तक पार्टी जाए इसके लिए रणनीति हुई। 11,700 बूथ हैं और आप सब जानते हैं कि हमने बूथ लेवल पर 30-30 कार्यकर्ताओं की एक बुकलेट करके उन सब नाम इकट्ठे किए हैं। तो बूथ स्तर तक पार्टी कैसे जाए, कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्टाचार और महंगाई सबसे बड़े मुद्दे रहेंगे। कांग्रेस का कुशासन, भ्रष्टाचार और महंगाई सबसे बड़े मुद्दे रहेंगे। चुनाव के प्रबंधन की दृष्टि से विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा, आज तय हुआ है, चुनाव के प्रबंधन की दृष्टि से विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा और प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इसके लिए पहले ही हमने 70 ऑब्जर्वर्स को भेजा था, अभी और उसकी प्रक्रिया को हम तय करेंगे और 15 सितंबर तक प्रदेश केंद्र को पहली सूची भेज देगा। 15 सितंबर तक प्रदेश केंद्र को पहली सूची भेज देगा जी। हमारे चुनाव प्रभारी नितिन जी ने कहा है और हमारा मानना है ये कि ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच के अंदर है। यह लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, उन्हीं के बीच में चुनावी संघर्ष है, अन्य किसी दल के बारे में जनता को भ्रम नहीं रहना चाहिए। ये बड़ा स्पष्ट सीधा सा संदेश है और इसलिए पार्टी पूरी तरह से एकजुट होकर गियरअप है, ये मैं आज कहना चाहता हूँ। दूसरा जो विषय है वो है पूर्वांचल का। दिल्ली के विकास में, दिल्ली में रहने वाले 30 लाख से ज़्यादा पूर्वांचली हैं जिनका दिल्ली के विकास के अंदर बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत बड़ा योगदान है। उनकी दिल्ली में बहुत समस्याएं हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक समस्याएं हैं। ये लोग अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आए, आज इसके लिए ये घर बार छोड़कर यहाँ पर आए, किंतु दिल्ली सरकार ने पिछले 15 साल में, कांग्रेस की सरकार ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारे शासन आने पर इनकी जो भी समस्या है, चाहे वो राशन कार्ड की है, आधार कार्ड की है, पुलिस की है, ड्राइविंग लाइसेंस की है, इन सब छोटी बड़ी समस्याओं के ऊपर हम ध्यान देंगे। ज़्यादातर ये लोग अनाधिकृत कॉलोनी झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं,
बड़ी मुश्किल से इस महंगाई में उनका गुजारा चलता है और 70% माइग्रेंट्स के पास आज राशन कार्ड नहीं है, पीडीएस सिस्टम उनको उपलब्ध नहीं है। इसलिए कांग्रेस की सरकार इनको महंगाई बढ़ा बढ़ाकर वापस बाहर भेजने के लिए मजबूर कर रही है, इनके लिए मजबूर कर रही है। आज हमने ये भी घोषणा की है कि हमारा शासन आने पर जो सबसे बड़ा पर्व है छठ का, उस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा, सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। अभी आप जानते हैं विधानसभा भी चल रही है, हमारे नेता हमारे बीच के अंदर हैं, इन्हीं के ऊपर वे अपने विचार रखेंगे सब चीज़ों पर।